इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तमाम प्राइवेट स्कूल्स के लिए और वालिदैन के लिए। मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्हें इस बात से आगाह किया गया है FFRC की जानिब से कि कोई भी फीस जो है बच्चे से एडवांस में नहीं ली जाएगी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट फ़ी हो, चाहे वो ट्यूशन फ़ी हो, चाहे वो एनुअल फ़ी हो। मैं आपको बता दूं कि कई सारी कंप्लेंट जो है वो मौसूल हुई है और इन कंप्लेंटों को मद्देनज़र रखते हुए अथॉरिटीज़ की जानिब से साफ तौर पर तमाम जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे इस बात से आगाह किया गया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल हो वो ट्रांसपोर्ट फ़ी हो, ट्यूशन फ़ी हो या फिर एनुअल फ़ी हो वो नहीं ले सकता वालिदैन से। और ये साफ तौर पर भी कहा गया है कि कई सारी ग्रीवेंस जो है वो इसके मद्देनज़र रखते हुए आई हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का दावा है कि उनसे जो है वक्ती तौर वक्त से पहले जो है फ़ी ली जाती है और इसी सब को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी UT में प्राइवेट स्कूल्स हैं, जितने भी UT में प्राइवेट स्कूल इस वक्त चल रहे हैं उन्हें इस बात से आगाह किया गया है कि वो रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं और इस बात को हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि अगर आप पेरेंट्स से एडवांस में फ़ी लेते हैं, चाहे वो ट्यूशन फ़ी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट फ़ी हो। मैं आपको इस बात से भी आगाह कर दूं कि ये भी साफ तौर पर कहा गया कि जितने भी पेरेंट्स हैं यानी कि बच्चों के वालिदैन हैं जम्मू कश्मीर UT में, उन्हें इस बात से आगाह किया गया है कि हर महीने की 15 तारीख को वो तमाम फ़ी जो है वो पुख्ता करें, यानी कि चुकता करें, जितनी भी फ़ी वगैरह बनती है, जितना भी बैलेंस होता है वो बैलेंस क्लियर करें ताकि स्टाफ की सैलरीज़ वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि स्टाफ की सैलरीज़ वगैरह जो है वो वक्ती तौर उन्हें मिल सके ताकि वो अभी अपना घर जो है वो चला सकें। हालांकि ये भी कहा गया कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो यानी कि लॉ को ब्रेक करते हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है नज़रसाज किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि जितने भी सरकारी इदारे हैं वहाँ पे तो 1 तारीख 2 तारीख या 4 या 5 तारीख तक जो है सैलरी आ जाती है, मगर वालिदैन को ये भी सोचना चाहिए। प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते हैं वो एक जगह, मगर जो सैलरी वगैरह है वो सैलरी वक्ती तौर दें उन्हें, क्योंकि उनकी सैलरी जो भी फ़ी वगैरह वो वक्ती तौर उन्हें दें, क्योंकि उनकी सैलरी भी जो है वो आपकी फ़ी देकर ही मिलती है। तो फिलहाल एक अहम अपडेट आप तक पहुँचाने की कोशिश की, देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के।